नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री रंजना बघेल का बेटा यशवर्धन और 2 अन्य युवक नदी में बह गई हैं। इन तीनों में से यशवर्धन समेत 2 को ग्रामीणों और प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। वहीं सूचना मिलते ही रंजना बघेल भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो गई है। हालांकि एक बार तो बेटे के नदी में बह जाने की सूचना मिलते ही वे बेहोश हो गई थी। हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब पूर्व मंत्री रंजना बघेल का बेटा यशवर्धन, तेजस और एक अन्य युवक महिंद्रा थार में सवार होकर कला कुंड के पास अपनी बहन से मिलने जा रहा था। जिस वक्त ये चोरल नदी का पुल पार कर रहे थे, अचानक गाड़ी इनबैलेंस होकर नदी में जा गिरी। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार भाजपा नेत्री रंजना बघेल ने बताया कि उनका बेटा और 2 उसके साथी हादसे का शिकार हो गए। गनीमत यह है कि फिलहाल वह सुरक्षित है। पता चला है कि ग्रामीणों ने इनमें से यशवर्धन और एक अन्य युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इंदौर के कलेक्टर और IG ग्रामीण राकेश गुप्ता से बात हो चुकी है। तीसरे युवक को भी निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान दोस्तों अभी भी जारी है। बताया जा रहा कि नदी में गिरने के बाद यशवर्धन 1 घंटे तक एक पेड़ से लटका रहा। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद में तैरकर नदी के दूसरे किनारे पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसे निकाला। दूसरी और इस घटना के बारे में सूचना पाकर प्रशासन की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि तेज बहाव के कारण नदी में रेस्क्यू करने में NDRF की टीम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान स्थानीय ग्रामीण SP, DSP और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन अभी भी एक युवक लापता है, जिसके लिए दोस्तों सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश।